हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा शर्मा और आप हैं मेरे साथ होप चैनल पर। आज हम बनाएंगे डोर हैंगिंग्स, जो कि बहुत आसान है। मैं आपके सामने बनाकर बताऊंगी और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही देखने में सुंदर है और इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसमें कुछ नया सामान लिया है जो मेरे पास नहीं था और कुछ सामान मैं रीयूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी रखा था। उसी पुराने सामान को, बेकार पड़े हुए सामान को मैंने यूज़ करा है और मैं इसमें रिबन्स का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप इसको घर में रखे हुए पुराने दुपट्टे की कटिंग्स स्ट्रिप्स काट कर भी कर सकते हैं और या किसी साड़ी से भी स्ट्रिप काट कर आप इसको बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डोर हैंगिंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम ये रिबन। मैंने रेड और वाइट लिया है। आपको जो कलर भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। मिरर्स, फेविकोल, बैंगल्स, कर्टन रिंग्स, इंची टेप, सुई धागा, सीजर और सिल्वर टेप। एक स्केच पेन। इसके अलावा मैंने लिया है ये वाइट पतले वाला रिबन। इसकी अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप जो ये वाला रिबन यूज़ कर रहे हैं इन दोनों रिबन से ही आपका हो जाएगा। तो चलिए डोर हैंगिंग्स बनाते हैं। हैंगिंग्स बनाने के लिए पहले आपने रिबन से जिस साइज़ का भी आपको डोर हैंगिंग बनाना है उस साइज़ के रिबन्स के स्ट्रिप्स काट लीजिए। मैंने ये ऑलरेडी काट कर रखी हुई हैं तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर इंची टेप से निशान लगा लेंगे ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस पर इसके साइज़ हम लगा सकें और इसके जो मिरर्स है वो इक्वल डिस्टेंस पर हम लगा सकें। मैंने ये लिया है 6 इंचेस का गैप और सबसे ऊपर मैंने 2 इंचेस इसके छोड़े हैं और 2 इंचेस इसके नीचे मैंने छोड़ दिए हैं। उसके बाद से 6 इंच का मैंने लिया है, फिर उसके बाद 6 इंच पर निशान लगाया है। तो ये मेरा रिबन निशान लगा हुआ है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर मिरर्स पेस्ट करना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डोर हैंगिंग बनकर तैयार होती है और इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैंने रिबन्स का इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहें तो आप इसको आप दुपट्टे के कपड़े से या फिर साड़ी के कपड़े की स्ट्रिप्स काटकर इसको बना सकते हैं।
ये सामान सारा घर से ही निकल आता है फ्रेंड्स। कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है जो हमें लाना पड़ता है, लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत के ये डोर हैंगिंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए आपके सामने, मेरे को मात्र 2 मिनट भी नहीं लगे और मेरी एक पूरी हैंगिंग बनके बन भी गई है एक साइड से। इसी तरह से बिल्कुल इसके बैक साइड में हम इस तरह से मिरर्स को लगा लेंगे। तो मैंने एक पहले से बना कर रखी है जो कि सूख चुकी है, अब हम इसको सुखा लेंगे। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसमें दूसरा वाला दूसरी साइड लगाएंगे। तो एक मैंने ये बना कर रखी है, अब इसकी दूसरी साइड में हम इसको उल्टा करके इसके दूसरी साइड में हम मिरर्स लगा लेते हैं। मैं आपको एक ही स्ट्रिप बनाकर यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी बनाने लगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मात्र आधे घंटे में हमारी सारी डोर हैंगिंग्स बनके तैयार हो जाती हैं और हम इंस्टेंट इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी एक डोर हैंगिंग रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ी देर सूखने देते हैं। ये है बैंगल्स फ्रेंड्स, इस बैंगल पर मुझे ये रिबन रैप करना है। ये वाइट रिबन मैंने पतला रिबन ले लिया है जिससे कि ये इजीली रैप हो जाए, अदरवाइज वो बड़ा वाला रिबन भी इस पर इजीली रैप हो जाएगा। ये मेरे पास रखा हुआ था और ये थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप वही रिबन यूज़ कर सकते हैं। इसे इजीली छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। और ये लगी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा और स्टार्टिंग में वीडियो में देखा, मैंने अपने ड्राइंग रूम में ये लगा रखी हैं।
हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी बैंगल्स होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं और ऐसे ही रखी रहती हैं, उनका ये अच्छा यूज़ है। कोई भी किसी भी साइज़ की आप बैंगल यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेटल की हो या फिर वो कांच की हो, कोई भी बैंगल को आप रैप कर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, ये हो गया। ये एक बैंगल बन के रेडी हो गई है। अब इसके साथ ही ये कर्टन रिंग को भी मैं सिल्वर टेप से रैप कर देती हूँ। इससे पहले दोस्तों ये निकालना है, क्योंकि इस तरह की हुक तो लगेगी नहीं, मैंने इसी तरह से इसको डाला है तो ये बीच में प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ये इजीली सीजर के साथ हट जाएगा, एक ये हटा कर रखा हुआ है मैंने। इसमें मैं सेलो टेप ये बनके रेडी हो गया। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। अब जो हैंगिंग्स मेरी बन चुकी है, ये इसमें दोनों तरफ मेरे मिरर्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर की साइड हम लगा देते हैं। कर्टन रिंग, जिससे कि किसी भी रॉड में ये आ जाएगा।
और इसके नीचे साइड में हम ये लगा देंगे बैंगल जो कि हमने रैप करके रखी है। आप चाहें तो इसका अपोजिट कलर भी लगा सकते हैं, रेड के नीचे वाइट और वाइट के नीचे रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बन गई है। मैंने ये एक रेड ऑलरेडी बना कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगर आप आगे भी ऐसी ही इंस्टेंट हैक्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।